सो अमेजोन प्राइम डे सेल आने वाली है, सो ये बिल्कुल सही टाइम है होम अप्लायंसेस बाय करने का, वो भी ऑफर प्राइस में। बट एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हर ऑफर पे सस्ती मिलने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, अच्छे प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे भले कम डिस्काउंट मिले वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इंस्टेंट गीजर बताऊंगा विदाउट एनी फॉल्स मार्केटिंग, जो कि आजकल यूट्यूब वीडियोज एंड शॉप पे तो बिल्कुल आम बात है। सेकेंड, यहाँ पे इंस्टेंट गीजर वाली कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड हमें सेम ब्रांड्स में भी मल्टीपल मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, ना तो इन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में एंड ना ही किसी के प्रोडक्ट डिस्प्ले वीडियो में, जहाँ पे लोग प्रोडक्ट को ऑन करे बिना यहाँ पे ये चीज़ के वादे इजीली कर देते हैं कि हमने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे टेस्ट किए, जिसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ बिल्कुल ईजिली बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आपका जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है डिफरेंट ब्रांड्स के इंस्टेंट गीजर के बीच में, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको बेस्ट इंस्टेंट गीजर की लिस्ट शेयर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा इंस्टेंट गीजर के रिगार्डिंग, जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपको एक बेस्ट गीजर लेना है तो। और साथ ही में यहाँ पे मैं आपको कॉमन फीचर्स ही बताऊंगा जो कि आपको सारे ही मेरे रिकमेंडेड गीजर्स में देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कोई शॉप वाला या फिर वीडियो वाला कोई भी बेसिक फीचर को हाईली मार्केट करके आपको एक गलत एंड ओवर प्राइस गीजर ना बेच दे। फर्स्ट, आपको यहाँ पे सब गीजर में एक प्रेशर रिलीज वॉल्व मिलेगा, जिससे यहाँ पे आपके गीजर का जो एक्सेस प्रेशर है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इन केस अगर आपके गीजर में किसी भी रीजन के वजह से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है तो, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। सेकंड, आपको कई गीजर के स्पेसिफिकेशन में एक एंटी साइफन फीचर मिलेगा, जिससे आपके गीजर के इनलेट पाइप से पानी का बैक फ्लो नहीं होगा एंड ड्राई हीटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड फीचर है वो हर गीजर में एक बेसिक फीचर है, जो कि पॉसिबल हो पाता है इस मल्टी फंक्शन वॉल के वजह से। थर्ड, यहाँ पे हर ब्रांड मेंशन करता है कि उनके गीजर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा PUF इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस चीज़ को टेस्ट करने का यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है अंटिल यहाँ पे कोई बंदा सारे गीजर बाय करके उनको इकट्ठा चलाए। और सच बताऊँ तो यहाँ पे इंस्टेंट गीजर में इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टेंट गीजर में गर्म पानी ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करते। फोर्थ, आपको सारे गीजर में एक शॉक प्रूफ ABS और इन जनरल यू कैन से प्लास्टिक की आउटर बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहाँ पे कुछ ब्रांड्स में आपको IPX4 रेटिंग भी मिलेगी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिफ्थ, सारे गीजर में आपको थर्मोस्टेट, हीटिंग ऑन ऑफ इंडिकेटर एंड ऑटो कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे आपके गीजर में पानी गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे जो हीटिंग प्रोसेस है वो अपने आप रोक देगा आपका गीजर एंड साथ ही में आपको इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, जिससे ये इंश्योर रहे कि पानी ओवरहीट ना हो, गीजर सेफ रहे एंड साथ ही में जो सारे गीजर हैं वो सारे ISI मार्क गीजर हैं। सिक्स, आपको सब गीजर में 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील टैंक मिलेगा, जिससे यहाँ पे टैंक ड्यूरेबल रहने के साथ उसमें रस्ट भी ना लगे। सेवन्थ, इंस्टेंट गीजर पे ज़्यादातर ब्रांड्स यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन नहीं देती एंड ना ही इंस्टॉलेशन किट देती है, लाइक इनलेट आउटलेट पैड एंड 16 एम्पियर प्लग। और मैं भी यहाँ पे यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इंस्टॉलेशन किट लोकली बाय करके लोकली इंस्टॉल ही करवा लीजिए, जिससे आपको ये सस्ता पड़े। एट्थ, यहाँ पे हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे आपके एरिया में सर्विस किस ब्रांड की कैसी है ये चीज़ तो आपको खुद पता करनी पड़ेगी, और कैसे करनी है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे आप अगर Tier 1 या Tier 2 सिटी में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्विस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आपके पास यहाँ पे सुपर पावर है यहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल करके किसी भी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस को जज करने की, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नाइन्थ, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो और आपके फ्लोर एंड जो पानी की टंकी है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जिसके वजह से आपके घर में जो पानी का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक 8 bar प्रेशर गीजर ही लेना है। बाकी अगर आप एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो या फिर एक नॉर्मल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो जहाँ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो इस केस में आप 6 या 6.5 या फिर 8 bar प्रेशर में से कोई भी गीजर बाय कर सकते हो। 10th, मैंने इस वीडियो में 1 liter, 3 liter विद 4.5 kW हीटिंग एलिमेंट एंड 3 kW हीटिंग एलिमेंट, चारों ही टाइप के गीजर आपको बताए हैं। यहाँ 4.5 kW, 3 kW का मतलब है इनकी हीटिंग एलिमेंट की पावर, जितना ज़्यादा ये होगा उतनी जल्दी आपका पानी है वो गर्म होगा
एंड जब यहाँ पे 4.5 किलोवाट का गीजर पानी गर्म करेगा तो 4500 वाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, और वहीं जब 3 किलोवाट का वाटर गीजर पानी गर्म करेगा तो वो 3000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा। तो आप जो भी चूज़ करो उसके लाइक वायरिंग, MCB, स्विच बोर्ड एंड प्लग आपके पास होना चाहिए। बाकी 1 लीटर का गीज़र आप किचन वगैरह में यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो 3 लीटर का गीज़र है वो आप चाहो तो किचन या फिर जो बाथरूम है दोनों में से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और वैसे अगर आपको बिल्कुल फास्ट हीटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे 4.5 किलोवाट वाला जो गीज़र है उसी को कंसिडर करना, क्योंकि ये जो गीज़र है वो चाहे कितनी भी ज़्यादा ठंडी क्यों ना पड़ जाए, पानी कितना भी ठंडा हो, ये आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पानी बिल्कुल गर्म करके दे देगा, जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर यहाँ पे इंस्टेंट गीज़र या फिर स्टोरेज गीज़र के बीच में आपका कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। 11th, जैसा कि आप जानते हो ये वीडियो है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग की लिंक मिलेगी जिसमें आपको ऑलवेज दी बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के साथ टू द पॉइंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और वैसे जो आपको प्रोडक्ट की लिंक मिलेगी इस ब्लॉग पेज पे एंड यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो सारी डायरेक्ट जेन्युइन सेलर की लिंक है, एंड साथ ही मेरी एफिलिएट लिंक भी है जिसके थ्रू अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप यहाँ पे इस टाइप के अनबायस्ड कंप्लीट एंड अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, वो भी बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। बाकी वीडियो देख के तो आप सपोर्ट कर ही रहे हो ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते एंड बेस्ट गीजर्स के बारे में बात करते हैं। और वैसे यहाँ पे जो भी गीजर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे ही बेस्ट गीजर्स हैं, बस आपको अपनी नीड्स के हिसाब से चूज़ करना है। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपसे अपना फेवरेट गीजर शेयर करूँगा एंड साथ ही मैं आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे हमेशा एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर या फिर स्पॉन्सर की लालच में बनी हुई वीडियो नहीं है। तो इस लिस्ट का जो फर्स्ट गीज़र है वो है बजाज न्यू मैजेस्टी, जिसमें आपको 1 लीटर एंड 3 लीटर के मॉडल मिल जाएंगे विद कॉपर हीटिंग एलिमेंट ऑफ 3 किलोवाट। और ये एक 6 बार प्रेशर गीज़र है जिसमें आपको वारंटी मिलेगी 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव, 3 ईयर्स की हीटिंग एलिमेंट पे एंड 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी इसके टैंक पे। एंड ये जो गीज़र है वो आपको अराउंड 3000 रुपीज़ का पड़ेगा। बाकी इस गीज़र के हम रिमार्क पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट, यहाँ पे इस गीज़र के साथ आपको कभी फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है एंड कभी नहीं मिलती है, तो इसलिए आप यहाँ पे इस गीज़र को बाय करने से पहले एक बार इनके कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी लोकेशन बता के उनसे ही पूछ लेना। बाकी यहाँ पे आप इसको लोकली तो इंस्टॉल करा ही सकते हो। सेकंड, आपको वाला जो गीज़र है वो 2 पैकेजिंग में मिलता है। फर्स्ट, जिसमें आपको जो इनलेट आउटलेट पाइप है वो नहीं मिलते, एंड सेकेंड जिसमें आपको इनलेट एंड आउटलेट पाइप मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोनों ही मॉडल के बीच में अप्रॉक्स 300 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप बिना पाइप वाला ही ले लो। थर्ड, यहाँ पे बजाज इस साल अपने गीजर्स पे काफ़ी अच्छी वारंटी दे रहा है। यहाँ पे ये जो वारंटी बजाज ऑफर कर रहा है इससे ज़्यादा वारंटी कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करता, विच मीन्स एक अच्छा ब्रांड विद बेस्ट वारंटी इक्वल्स टू टोटल पीस ऑफ माइंड। बाकी इनके अलावा यहाँ पे मैं बजाज के 2 मॉडल्स को और रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है बजाज ज्यूवेल एंड सेकेंड है बजाज स्प्लेंडोरा और फ्लोरा। बजाज ज्यूवेल आप तब कंसिडर कर सकते हो जब आपको बजाज न्यू मैजेस्टी का लुक यहाँ पे इतना पसंद ना आए, और यहाँ पे बजाज स्प्लेंडोरा और फ्लोरा आप तब कंसिडर करना जब आपको एक 4.5 किलोवाट वाले गीज़र चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये 6.5 बार प्रेशर रेटेड गीज़र है, और इन दोनों की प्राइसिंग यहाँ पे अराउंड 3300 रुपीज़ की आपको पड़ेगी, विच इज़ 200 मोर देन बजाज न्यू मैजेस्टी। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ें एंड यहाँ पे सेकंड ब्रांड की बात करें तो वो है क्रॉम्पटन, जिसमें भी मैं आपको 2 मॉडल्स रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है क्रॉम्पटन ब्लिस एंड सेकंड है क्रॉम्पटन रैपिड जेट। दोनों में आपको यहाँ पे 1 लीटर एंड 3 लीटर के मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं विद कॉपर हीटिंग एलिमेंट ऑफ 3 किलोवाट। और वैसे जो दोनों गीज़र है वो यहाँ पे एक 6.5 बार प्रेशर रेटेड गीज़र है, एंड इन पे जो आपको वारंटी मिलती है वो मिलती है 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 5 ईयर्स की वारंटी ऑन इट्स टैंक। और वैसे इन गीजर्स की प्राइसिंग आपको 2600 के अप्रॉक्स पड़ेगी, जिसकी वजह से इन गीज़र को मैं यहाँ पे टाइटल दे सकता हूँ बेस्ट अफोर्डेबल गीज़र का। तो अगर आपका यहाँ पे बजट लिमिटेड है तो आप क्रॉम्पटन बाय कर लीजिए। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बेस्ट लुकिंग सेगमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको 2 गीज़र रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉम्पटन सोलेरियम एंड यहाँ पे जो सेकंड है वो हैवेस इंस्टानियो। दोनों में आपको 1 लीटर एंड 3 लीटर के मॉडल मिल जाएंगे विद कॉपर हीटिंग एलिमेंट ऑफ 3 किलोवाट, और ये दोनों 6.5 बार प्रेशर रेटेड गीज़र हैं,
जिन पे आपको 2 ईयर्स की कॉम्प्रेंसिव वारंटी मिलेगी एंड 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी इनके टैंक पे। बाकी इनकी प्राइसिंग आपको 3,500 रुपीज़ की पड़ेगी क्रॉम्पटन के लिए एंड यहाँ पे 3,700 रुपीज़ की पड़ेगी यहाँ पे हैवेल्स इंस्टानियो के लिए। एंड नो डाउट ये जो दोनों गीजर्स हैं वो डिज़ाइन वाइज तो अच्छे हैं ही, लेकिन साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोनों गीजर्स में आपको सामने की तरफ बड़े हीटिंग इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे जो ब्लू कलर से यहाँ पे रेड कलर में हो जाएंगे जब आपका पानी गर्म हो जाएगा, जो देखने में यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो अपना क्रॉन्टम सेलरियो वॉच है उसमें आपको फ्री इनलेट एंड आउटलेट पाइप भी देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं अपना जो हैवेल्स इंस्टानियो है उसमें आपको 4.5 किलोवाट वाले मॉडल भी मिलता है। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, दी बेस्ट इंस्टेंट गीजर बताने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब में से दो चीज़ें तो ज़रूर कर देना। नाउ अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपना फेवरेट गीजर शेयर करता हूँ जो कि एओ स्मिथ EWS, जिसमें आपको अलॉय स्टील टैंक मिलेगा विद ब्लू डायमंड ग्लास इनलाइन कोटिंग। एंड वैसे तो आपको हर ब्रांड में 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील टैंक देखने के लिए मिल जाता है जो कि डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन नो डाउट यहाँ पे इस टाइप की कोटिंग की वजह से इसमें आपको रस लगने की चांसेस है वो और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने गीजर की लाइफ ज़रूर बढ़ती है। बाकी इसमें आपको 3 किलोवाट का ग्लास कोटेड इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट मिलता है। एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया होगा कि ये कॉपर एंड इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट में से कौन सा अच्छा है। सो द आंसर इज इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एंड ऊपर से इस पे जो ग्लास कोटिंग की गई है उसकी वजह से यहाँ पे जो सेडिमेंट फॉर्मेशन होता है अपने हीटिंग एलिमेंट के ऊपर वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये एक 8 बार प्रेशर रेटेड गीजर है जिसमें आपको एक अलॉय एनोड रॉड भी देखने के लिए मिल जाती है, जो अगेन अपने जो टैंक है एंड यहाँ पे अपना जो हीटिंग एलिमेंट है उन दोनों की लाइफ ज़रूर बढ़ाएगा। और अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो ये वाला गीज़र आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो सैक्रिफिशियल एनोड रॉड है वो आपको इंस्टेंट गीज़र में सिर्फ 2 ब्रांड्स देते हैं। इसके अलावा जो आपको जो एनोड रॉड देखने के लिए मिल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्टोरेज गीज़र में ही देखने के लिए मिलती है, जिससे यहाँ पे अपने स्टोरेज गीज़र की टैंक की जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि उस केस में जो टैंक होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि ये सैक्रिफिशियल एनोड रॉड क्या होती है, कैसे ये अपने गीजर की लाइफ बढ़ाती है, इसकी वर्किंग क्या है एंड इसमें आपको किस मटेरियल की जो एनोड रॉड है वो बेस्ट रहती है एंड सो ऑन, तो इसके रिगार्डिंग आप दी ओनली डिटेल वीडियो देख सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड इसके अलावा ये जो गीज़र है वो IPX4 रेटेड गीज़र है, विच मीन्स कि ये गीज़र एक स्प्लैश प्रूफ गीज़र है एंड अगेन ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी गीज़र में देखने के लिए मिलती है। बाकी इस गीज़र की हम वारंटी की बात करें तो आपको 2 ईयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है, 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है इसके हीटिंग एलिमेंट पे, यानी कि आपको टोटल 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है इसके हीटिंग एलिमेंट पे एंड यहाँ पे आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है इसके टैंक। और वैसे यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सटेंडेड वारंटी बताई है उसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर इस गीज़र को इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो एक्टिव होगी। बाकी इस गीज़र की जो प्राइसिंग है वो आपको अप्रॉक्स 3,000 रुपीज़ की मिलेगी, लेकिन इस गीज़र पे यहाँ पे 3 रिमार्क पॉइंट हैं। फर्स्ट, अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो यहाँ पे आपको इस गीज़र में या फिर किसी भी अदर गीज़र में कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड सुनाई दे सकती है, लेकिन इस गीज़र में यहाँ पे ग्लास इनलाइन कोटिंग होने की वजह से यही साउंड थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट क्या ये जो साउंड है वो इस गीज़र का एक कॉन है? तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड थिंग, इस गीज़र में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर एंड 3 किलोवाट का मॉडल देखने के लिए मिलता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि इस गीज़र में आपको जो मल्टी फंक्शन वॉल देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। इस टाइप का जो आपका मल्टी फंक्शन वॉल है वो आपको ज़्यादातर सिर्फ स्टोरेज गीजर्स में देखने के लिए मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग इस गीज़र को यहाँ पे मैं दी बेस्ट एंड अफोर्डेबल इंस्टेंट गीज़र का टाइटल दे सकता हूँ। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड। एंड ये ब्रांड सिर्फ और सिर्फ गीजर्स ही बनाता है एंड इनके गीजर्स की जो क्वालिटी है उसको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रिकॉर्ड के मैं आपको 2 गीज़र रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है रिकॉर्ड प्रोंटो प्रो फॉर 3 लीटर 3 किलोवाट मॉडल एंड यहाँ पे स्टाइलो फॉर 4.5 किलोवाट मॉडल। बाकी ये दोनों जो गीज़र है वो यहाँ पे 6.5 बार प्रेशर रेटेड गीज़र है एंड इन दोनों में आपको कॉपर हीटिंग एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है। और इनकी जो आपको वारंटी है वो आपको 2 ईयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है इनके टैंक पे। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड की आफ्टर सर्विस है वो यहाँ पे अदर ब्रांड्स इतनी अच्छी नहीं है,
दैट्स अगर आप टीयर वन या टीयर टू सिटी में रहते हो तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे रिकॉर्ड के गीज़र ले सकते हो। अगर आप टीयर थ्री या फिर किसी टाउन वगैरह में रहते हो तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा। नाउ अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है एंड फिर भी अगर आपका थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसको भी यहाँ पे मैं अपनी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दी बेस्ट अफोर्डेबल इंस्टेंट गीजर है वो है यहाँ पे AO Smith EWS। सेकंड, अगर आपको एक उबले हुए अंडे जैसा गीजर नहीं लेना तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड प्रोंटो प्रो लेना, बजाज से ये लुक वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर है। फोर्थ, अगर आपको एक बेस्ट लुकिंग गीजर लेना है एंड इस केस में आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो यहाँ पे आप Havells Instanio लो। एंड फिफ्थ, अगर आपको यहाँ पे लिमिटेड बजट है तो आप यहाँ पे क्रॉम्पटन रैपिड जेट ले लो। इसकी प्राइसिंग आपको ऑफर वगैरह लगा के 2500 रुपीस की अप्रॉक्स मिल जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी फॉर्मेट में पूछना, तभी आपको अपने कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।